हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपके बीच में एक 1000 स्क्वायर फीट की एक ऐसी प्रॉपर्टी लेकर आए जो हर कोई चाहता है कि डायमेंशन हो 20-50, प्लानिंग हो कि नीचे रेंट आउट भी निकल जाए और ऊपर हमारा एक सुंदर सा विला भी बन जाए। बहुत सी बार ऐसा होता है कि भाई नीचे रेंट आउट निकालने के चक्कर में ऊपर अच्छा घर नहीं बन पाता। आपके लिए एक ऐसी ही प्रॉपर्टी लेकर आए हैं। एलिवेशन देखिए, नीचे 2 BHK का काफ़ी अच्छा कॉम्पैक्ट साइज का यूनिट निकाला हुआ है जो आपका रेंट पे जाएगा और ऊपर पूरा लेविश फुल्ली फर्निश्ड विला आपके लिए बनके रेडी है। स्टार्टिंग करें फ्रंट एलिवेशन से, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो मिलेगा वो मिलेगा आपको आयरन गेट जो कि डबल टोन में होगा, CNC कटिंग टाइप का यहाँ पे दिया है जो आयरन में है। उसके बाद आपका पूरा आयरन बार्स दिए हुए हैं और उसी साइड देखें तो रियल स्टोन के साथ ऊपर CNC कटिंग टाइप में आपको पूरा टेक्सचर मिल जाएगा। चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर हमें क्या क्या मिलने वाला है। अगर गेट मैं पूरा खोल लूँ तो आप देख सकते हो कितना ब्रॉड स्पेस है, कंप्लीट एक बड़ी गाड़ी आपकी अंदर आराम से पार्क हो सकती है। और इसी के साथ अगर देखें तो ऊपर पूरी आपको प्रोफाइल लाइट्स और सीलिंग लाइट्स मिल जाएगी। अंदर आएंगे तो देखेंगे इस साइड हमारे जो सामने काम किया हुआ है वो किया हुआ है येलो स्टोन, काफ़ी सुंदर दिख रहा है और जिसको ग्रेनाइट पे पूरा प्लेस किया हुआ है। बात करें तो जो स्टार्टिंग आप देख रहे हो, ये जो यूनिट देख रहे हो जो मैं आपसे बात कर रहा था 2 BHK का एक कॉम्पैक्ट यूनिट, वो ये दिया है जो आप रेंट पर्पस में यूज़ कर सकते हो। इसी के बाद फिर यहाँ से जो हमें स्टार्टिंग मिलेगी वो मिलेगी हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ जहाँ पे से हमारा असली विला स्टार्ट होता है। अगर देखें तो यूज़ जो किया है एंटिस किट ग्रेनाइट आपका इस पर यूज़ किया है, टफन ग्लास के साथ SS की रेलिंग के कि कभी बारिश में भी आप खड़े हो तो ये सारी चीज़ उस वजह से कभी ख़राब नहीं होगी। चलते हैं ऊपर और ऊपर देखते हैं कि ऊपर हमें क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या सारी चीज़ें हमें समझते हैं सारी चीज़ों को। स्टार्टिंग अगर आप देखोगे जब हम ऊपर आएंगे और अगर ऊपर से नीचे उतरेंगे तो जो हमारे इस साइड आएगा हमारे सामने वो आएगा CNC की कटिंग जो काफ़ी अच्छे से और एक काफ़ी लंबा डबल टॉप हमें यहाँ पे डबल हाइट में दिया हुआ है जो ऊपर काफ़ी सीलिंग लाइट्स के साथ आपको डेकोरेट किया हुआ है। और उसी के बाद अगर देखें ऊपर तो पूरा PVC शीट दी हुई है जो काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेटेड, जो काफ़ी अच्छे तरीके से सीलिंग लाइट्स उस पर लगी हुई मिल रही हैं। और इसी के साथ हमारे इस वाली वॉल पे हमें प्लांटेशन, आर्टिफिशियल प्लांटेशन किया हुआ है जो कि पल्की फाइन डिज़ाइन दी हुई है जो काफ़ी सुंदर दिख रही है। तो इस साइड अगर आप देखो तो वॉल पे पूरा डिज़ाइन किया हुआ है जिस पे आपको एक लैम्प, एक लाइट बीच में मिल जाएगी जो कि पूरा फोकस करती है आपके चारों तरफ। अब इसी से हम चलेंगे ऊपर की तरफ और जैसे ही आप ऊपर आओगे, जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो आपका मेन आपके घर का जो एंट्रेंस है वो आ जाएगा आपके इस साइड। और उसी को भी देखें तो काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया है। सबसे पहले जो आएगा वो आपके शू सेल्फ आ जाएंगे जिसमें आप अपने जूते चप्पल इजीली रख सकते हो, जो काफ़ी अच्छा वीनियर से डिज़ाइन किया हुआ है और उसके ऊपर ग्रेनाइट दिया है। ग्रेनाइट से क्या होगा कि जब भी आप चाहें कोई प्लांटेशन करना है आप प्लांटेशन कर सकते हो, या आपको कुछ भी रखना है तो वो ख़राब भी नहीं होगा और आप आराम से गीले कपड़े से हमेशा उसको साफ कर सकते हो। उसी के बाद एक गौतम बुद्धा यहाँ पे लगा कर दिए हैं जो कि PU लेमिनेट है जिस पे दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव लग रहा है। और उसके चारों तरफ अगर आप देखो तो वीनियर से पूरा कवर करके उस पे आपको प्रोफाइल लाइट उसके अंदर लगा कर दी हुई है तो उससे जो लुक है वो काफ़ी एनहेंस हो जाता है। इसी के बाद अगर बात करें तो ऊपर पूरा PVC का बेल्ट दिया है सीलिंग लाइट्स के साथ। अब यहाँ से एंट्री लेंगे हम अंदर की तरफ, बट बात कर लेते हैं उसके पहले गेट की। जो गेट हमारा पूरा दिख रहा है आपको ये पूरा वीनियर डोर है। अगर आप देखें चौड़ाई, देखें चौड़ाई के साथ इस गेट की क्वालिटी अगर मैं आपको बताऊं तो काफ़ी हैवी है और काफ़ी चलने में फ्री है। मॉस्किटो डोर है बट काफ़ी फैंसी है और फैंसी के साथ काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबल है, काफ़ी हैवी है। इसी के बाद अब चलते हैं अंदर। अंदर के गेट की बात करें तो पूरा वीनियर पे PU लेमिनेट किया हुआ है, PU का वर्क है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है और जो बीच में यूज़ किया हुआ है रोज़ गोल्ड में काफ़ी अच्छा और काफ़ी फाइन क्वालिटी में यूज़ किया और काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और उसी के पास में वेंटिलेशन के लिए बड़ा सा विंडो आपको दिया हुआ है।
अब चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर चलने के पहले सबसे पहले नोटिस करें अगर तो जो ग्रेनाइट स्टार्टिंग में दिया उसी के नीचे आपको पूरा प्रोफाइल लाइट मिल जाएगा, जो रात के टाइम में कभी आप लाइट बंद भी करते हैं और प्रोफाइल लाइट चालू भी कर लेंगे ना तो आपको क्या रहेगा, थोड़ा सा सपोर्ट हो जाता है, उजाला हो जाता है अंदर आने जाने के लिए, नीचे कितना गहरा है देखने के लिए। अब चलते हैं अंदर की तरफ। अंदर आए तो आप सबसे पहले देखिए आपका 1000 स्क्वायर फीट का विला किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। हम जो खड़े हैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था ग्राउंड फ्लोर पे एक कॉम्पैक्ट साइज़ का 2 BHK दिया हुआ है रेंट पर्पज़ के लिए। जिधर अभी हम खड़े हैं हमारे इस विला में, ये हमारा लिविंग रूम है। लिविंग रूम में एक बार आप वर्किंग देखिए किस तरीके से वर्किंग की हुई है। अगर बात करें इस वॉल की तो पूरा MDF पे वॉलपेपर दिया हुआ है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिस पर अगर आप देख पाए तो साइड में आपको सीलिंग लाइट्स दी हुई हैं। और इसी के दोनों साइड अगर हम देखें तो पूरा यूरोपियन स्टाइल में काम किया हुआ है, जैसे आप एक ये बेल्ट देख सकते हो और एक ये बेल्ट देख सकते हो, दोनों पर पूरा यूरोपियन डिज़ाइन में काम किया है जिस पर दोनों तरफ आपको लैंप्स दिख जाएंगे। और सेम एज इट इज़ जो MDF की शीट है वही काम ऊपर पूरा वॉलपेपर के साथ उस पर किया हुआ है जो आपकी सीलिंग पर आएगा, और उसी में आपको सारा लाइटिंग अरेंजमेंट्स मिल जाएंगे। सोफ़ा जो आप देख रहे हैं सारा हैंडमेड है, यहीं पर कम्प्लीटली बना हुआ है मैचिंग में, उसी के साथ सेंटर टेबल दी हुई है। अब सबसे बड़ा कंसर्न ये रहता है कि भाई हमें इसमें अगर लिविंग रूम में आपने 1000 पे सारी चीज़ें निकाली हैं तो बालकनी छोटी होगी। बालकनी काफ़ी बड़ी है और बालकनी मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। आप ये पोर्शन देखिए, पूरा विंडो पोर्शन दिया है जो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, और यहीं से हमारा बालकनी का एंट्रेंस, अगर हम हमारे कर्टन्स खोलें तो सबसे पहले जो आएगा वो आएगा हमारा सेफ्टी पॉइंट को लेकर, हमारे आयरन बार्स जो हमें दिए हुए हैं। जैसे ही हम इसको खोलेंगे काफ़ी ब्रॉड ओपन हो रहा है, काफ़ी बड़ा ओपन होगा कि आपको अंदर बाहर होने में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर बात करें तो जो विंडो यूज़ किए हुए हैं 3 चैनल में यूज़ किए हुए हैं मॉस्किटो नेट के साथ, 2 ग्लास पैनल जो कि डोमाल सेक्शन है, अगर आप देख पाओ, जो मैंने आपको बताया भी है कि डोमाल सेक्शन काफ़ी एक्सपेंसिव और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में यूज़ होता है। जैसे ही हम ये बालकनी पोर्शन है हमारा, बालकनी पोर्शन अगर आप देख पाओ तो काफ़ी बड़ा है, जैसे कि एक सेंटर टेबल अभी बीच में लगी हुई है, उसके बाद भी काफ़ी स्पेस आपको चारों तरफ मिल जाएगा। और जो बात हम अभी कर रहे थे नीचे से आते टाइम, अगर वो आप यहाँ से खड़े होकर देखें तो नीचे का पोर्शन भी आप पूरा इस तरीके से पूरा व्यू ले सकते हो। जो हम बात कर रहे थे वॉल की, वो इस तरीके से लाइटिंग अरेंजमेंट के साथ आपको मिल जाएगी। इसी के साथ ऊपर जो हम बात कर रहे थे वो था हमारा पूरा PVC शीट, और उसी के साथ एक नल हमें हमारा बालकनी में भी मिल जाएगा कि भाई अगर आप प्लांटेशन करते हैं या आपको पानी का यूज़ है तो बालकनी में ही पूरा यूटिलाइज़ कर सकते हो, कहीं से कहीं तक कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि जब घर बनता है तो हर छोटी छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। उसी के बाद अब चलते हैं हम हमारे फर्स्ट फ्लोर के किचन साइड, वहाँ देखते हैं वहाँ हमें क्या क्या मिलने वाला है। बट सबसे बड़ी एक चीज़ हमने हमेशा देखी है, हमारी YouTube की फैमिली है या जो भी हमारे साथ घर देखते हैं, वो एक कंसर्न रहता है कि हमें मंदिर का स्पेस अलग से चाहिए, वो डिस्टर्ब ना हो, तो मंदिर के स्पेस का पूरा ध्यान रखा हुआ है। मैं आपको सबसे पहले मंदिर का स्पेस दिखाता हूँ, फिर हम बात करेंगे सारे हमारे आर्टिफैक्ट्स की जो हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, या पहले इनकी ही हम बात कर लेते हैं। जो हमारी LED पैनल के पीछे की जो पूरी वॉल पे काम किया हुआ है, वो काम अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो पूरा वीनियर में पिलर्स दिए हुए हैं, जो आप ये पिलर्स देख रहे हैं पूरा वीनियर में है, उसी के साथ पूरा PU में काम किया हुआ है सारा, जो भी काम आप देख रहे हो वाइट में ये पूरा PU में काम किया हुआ है, और उसी पर ये आर्टिफैक्ट्स आप देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से इनका अरेंजमेंट किया हुआ है। अगर इस तरफ देखें तो सोफे की मैचिंग के साथ जो हमें दिख रहा है, ये सोफे की मैचिंग के साथ हमें बेल्ट्स दिए हैं जिस पर रोज गोल्ड में काम करा है, जो काफ़ी अच्छे तरीके से मैच हो रहा है। इसी के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा वीनियर के साथ PU में जो दिया है वो हमें हमारा स्टोरेज यहाँ पे सारे मिल जाएंगे आपको। तो काफ़ी अच्छे से जो डिज़ाइन है काफ़ी अच्छे से लिया हुआ है, और काफ़ी एकदम सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट हर चीज़ का किया हुआ है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारा किचन, फर्स्ट बेडरूम और हमारा डाइनिंग स्पेस। बट उसके पहले अगर हम देखें तो हमारा मंदिर, में आपको दिखाता हूँ कि मंदिर का स्पेस किस तरीके से यूज़ किया हुआ है। अगर ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है, वास्तु के हिसाब से जब हम पूजा करते हैं तो हमारा फेस ईस्ट में होना चाहिए और भगवान का फेस वेस्ट में होना चाहिए। अगर हम देखें तो मंदिर का इधर काफ़ी अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ है। अब इसमें क्या है कि जो ये पार्टीशन किया है,
पूरा वीनियर्स के पिलर्स के साथ इस पे पीयू का काम किया हुआ है जो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और उसमें पूरा वास्तु का कंप्लीट ध्यान रखा हुआ है कि जब आप पूजा करेंगे तो आपका जो फेस है वो ईस्ट की तरफ जाएगा और भगवान का जो फेस है वो वेस्ट की तरफ आएगा। तो आपका वास्तु का भी कम्प्लीटली ध्यान रखकर ही बनाया है कि आप वहाँ एक पोर्शन सेपरेट हो गया कि आपको किसी भी चीज़ में डिस्टर्बेंस नहीं करना पड़ेगा। अब हम चलते हैं हमारे डाइनिंग एरिया की तरफ। जैसे ही हमारे मंदिर से इस तरफ आएंगे हम, तो ये हमारा डाइनिंग एरिया आ जाता है। डाइनिंग एरिया अगर आप देखें तो सेपरेट 6 लोगों का डाइनिंग प्रॉपरली लगा हुआ है, और डाइनिंग से ही डबल हाइट आपको मिल जाएगी जो अगर आप देख पाएँ तो, एज इट इज़ काफ़ी सुंदर शेंडिलियर उसमें लगा हुआ है, काफ़ी सुंदर अच्छा एक हाइट का शेंडिलियर आपको दिया हुआ है जो आपके डाइनिंग टेबल पर पूरा फोकस बनाएगा। उसी के पीछे की अगर हम बात करें वॉल की, तो वॉलपेपर काफ़ी अच्छे तरीके से और थीम को ध्यान में रखते हुए मैचिंग का वॉलपेपर उस पर दिया है। फील आपको वॉलपेपर का बिल्कुल भी नहीं आएगा कि उसे क्वालिटी वाइज और उसकी फिनिशिंग वाइज काफ़ी अच्छे तरीके से उसको लगाया है। अगर हम देखें, बहुत सी बार ऐसा होता है कि 6 लोगों की डाइनिंग के बाद जगह नहीं बचती, तो आपके सामने प्रैक्टिकली लगा हुआ है, आपको जगह का कोई भी इशू नहीं होने वाला है। जैसे ही अंदर चलेंगे तो सबसे पहले डाइनिंग से ही लगा हुआ हमारा किचन स्टार्ट होगा, और किचन स्टार्ट होने के पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से किचन को अंदर जाने के लिए जो डेकोरेट किया वो किस तरीके से किया है। अगर आप ध्यान से देख पाएँ तो आपको ये पूरा वीनियर से, अगर आप देखो तो पूरी चौकट आपके वीनियर से बनाकर दी हुई है, और उसी में आपको आर्टिफैक्ट्स रखने के लिए जगह दी है। अगर देखें तो किस तरीके से जमाया है, किचन में अचार की बर्नियाँ होती हैं, देखिए उस तरीके से काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिफैक्ट्स आपको इसमें रखे हुए मिल जाएंगे। नीचे येलो स्टोन का काम करा है जो काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर दिखता है, और एक तरफ नहीं है ये काम, दोनों तरफ किया हुआ है। इस तरफ भी आपको येलो स्टोन का काम इसमें देखने को मिल जाएगा। एक आर्टिफिशियल प्लांट आपको मिल रहा है और 2 हैंगिंग लैंप आपको इसमें मिल जाएंगे। जैसे ही अंदर स्टार्ट आएंगे किचन में, किचन का पार्ट स्टार्ट करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ किचन पूरा कम्प्लीटली एक्रेलिक किचन बना हुआ है, काफ़ी सुंदर किचन बना हुआ है। बात करें स्टार्टिंग में तो जो यूज़ किया है पत्थर, क्वार्ट्स पूरा इस पर यूज़ किया हुआ है, और क्वार्ट्स के साथ अगर नीचे आप देखें तो पूरे टेंडम बॉक्स यूज़ किए हुए हैं जो कि आपको रोज़ गोल्ड में मिल जाएंगे। अगर आप देख पाओ तो पूरा शेड जो है पूरा कंप्लीट तरीके से मैच किया हुआ है। आपके कैबिनेट्स भी जो हैं पूरे रोज़ गोल्ड में दिए हुए हैं, आपके शेल्फ्स जो हैं रोज़ गोल्ड ग्लास के साथ दिए हैं कि आप जो भी अपनी क्रॉकरी रखना चाहेंगे वो यहाँ से आपकी हाईलाइट होगी। तो इसको देख के ही आधा तो आपको फील आ जाता है कि भाई मेरा घर जो है कितना लेविश है, और होना भी चाहिए। जब आप आदमी मेहनत करता है और सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्चा करता है वो अपने घर पे ही करता है, तो घर जब बने तो लेविश ही बनना चाहिए। आपका चिमनी जो मोशन सेंसर में है, आप इस तरीके से करेंगे तो चालू और इस तरीके से करेंगे तो बंद हो जाएगी। यूजली हम लोग चलाते नहीं है, बट इस तरीके की चिमनी को चलाने में मज़ा आता है। सेम एज इट इज़ चिमनी के साथ आपको क्वार्ट्स और उसी के पीछे आपको पूरा टाइल का काम मिल जाएगा, जिसमें नीचे आपकी सारी प्रोफाइल लाइट्स कम्प्लीटली लगी हुई हैं। उसी के बाद आपका ड्राई प्लेटफॉर्म की बात करें, आप बोलोगे ड्राई प्लेटफॉर्म नहीं दिखाया है, ये रहा हमारा ड्राई प्लेटफॉर्म। ड्राई प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आपको स्पेस दिया हुआ है, आप इसमें भी अपना स्टोरेज रख सकते हैं सारा। आपको यहाँ पे भी सॉकेट दिए हुए हैं, आप इसमें अपना सारा सामान रख सकते हो। उसी के नीचे जो मैं टेंडम बॉक्स आपको बता रहा था, वो टेंडम बॉक्स आपके ये रहे जो कि सॉफ्ट क्लोज के साथ आपको मिलेंगे। और जो थीम जो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रही है वो है रोज़ गोल्ड की, जो काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन की कलर के साथ, जो वाइट शेड के साथ रोज़ गोल्ड काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इधर आपका फ्रिज आएगा, और फ्रिज के लिए जो मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ पे भी सॉकेट्स दिए हैं और यहाँ पर भी आपको सॉकेट मिल जाएगा, तो आपका बड़े से बड़ा फ्रिज जो भी है वो आप लगा सकते हो, आपको इधर भी उसमें सॉकेट आपको मिल जाएंगे। उसी के बाद आपका जो ड्राई प्लेटफॉर्म का जो वेट प्लेटफॉर्म आएगा वो आएगा हमारा इस साइड। ये हमारा वेट प्लेटफॉर्म के साथ एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप यहाँ पे चाहे बर्तन धोने के साथ आप अपना बड़ा जो बर्तन का जो स्टैंड होता है वो यहाँ पे रख सकते हो, और नहीं तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, बट पहले इसको देख लेते हैं। आपको सामान रखना है तो आपको ट्रॉलीज में दी हुई हैं, और उसी के साथ आपको स्टोरेज की स्पेस भी इसमें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब बात करें सीलिंग की, तो जो मैं आपको बता रहा था पूरा एक्रेलिक किचन, आप ऊपर पूरी सीलिंग भी देख सकते हो, पूरी आपकी रोज़ गोल्ड में बेल्ट्स के दिए हुए जो मैच काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब हम चलते हैं हमारे वॉश एरिया की तरफ।
वॉश एरिया के गेट अगर आप देख पा रहे हो तो दो पार्ट में, जो काफ़ी अच्छा लगता है हमेशा। बट उसके पहले आपको दिखाऊं, दोनों तरफ पैक ग्लास दिए हैं, बट ये आपका ट्रांसपेरेंसी को बनाकर रखेंगे, उजाले को बनाकर रखेंगे। गेट खोल लेते हैं वॉश एरिया का और चलते हैं। तो वॉश एरिया की सबसे अच्छी देखिए, सबसे पहले टाइल जो यूज़ की है वो टाइल एंटरस्किट है, एंटरस्किट टाइल यूज़ की, जो काफ़ी अच्छी दिख रही है। जैसे ही वॉश एरिया में आएंगे तो सबसे पहले जो अट्रैक्टिव पॉइंट है हमारे वॉश एरिया का, वो है हमारा वेट प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म के साथ यहाँ पे भी हमें स्टोरेज की स्पेस दी हुई है, जिसमें आप अपना सामान सारा रख सकते हो। उसी के साथ आपका वॉश एरिया में आपका नल कंप्लीट दिया हुआ है, स्पेस आपको यहाँ पे भी दी है कि आप कोई भी सामान और भी होगा बर्तन धोने के अलावा, कोई भी सामान तो आप यहाँ पे अपना इजीली रख सकते हो। टाइल का सारा बरोबर ध्यान यहाँ पर रखा हुआ है, अगर देखें तो 10 फिट तक की टाइल आपको लगा कर दी है कि आप कितना भी पानी यहाँ पे ढोलो आपकी दीवारें ख़राब नहीं होगी। वैसे पानी ढोलना नहीं चाहिए, पानी बचाओ। उसी के साथ ये आपका वेंटिलेशन डक्ट है जो सीधा ऊपर जाएगा और आपका वेंटिलेशन प्रोवाइड आपको करेगा। इसी के बाद वॉशिंग मशीन के लिए जो हमें नल दिया हुआ है, जो टैप हमारा है वो वॉशिंग मशीन के लिए यहाँ दिया है, एक आपके 16 एम्पियर के स्विच के साथ। अवंतिका गैस लाइन यहाँ आई हुई है तो उसका मीटर भी लगा हुआ है। अब चलते हैं हम हमारे फर्स्ट बेडरूम में और फर्स्ट बेडरूम में देखते हैं कि हमें वहाँ क्या क्या मिलने वाला है। बट उसके पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जो भी आपका गेस्ट या आप खुद भी जब अपने डाइनिंग टेबल से खाना खाकर उठेंगे तो हाथ धोने के लिए आपको बार बार किचन में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उठेंगे और उठने के साथ ही एक सुंदर सा और काफ़ी अच्छे से वॉश बेसिन पर आप अपने हाथ धो सकते हैं, जो काफ़ी अच्छे तरीके से प्लेस की हुई है। गोल्ड का काम देख सकते हो आप, कितना शानदार लग रहा है, और पूरा क्वार्ट्ज पे दिया हुआ है ये भी। और उसी के पास में हैंड वॉश का भी अगर आप देखो तो कितना अच्छे डिज़ाइन में आपको हैंड वॉश का वॉशर मिल जाएगा। उसी के नीचे आपको कैबिनेट्स मिल जाएंगे कि आप इसमें अपना कुछ भी जो सामान है वो रख सकते हो। ये जो पार्ट है इसकी अगर बात करें तो जो स्टेयर्स आप देख रहे हो ऊपर जाने की, उसी के नीचे का जो जगह है उसको यूज़ करा है। अगर देखें तो आपको स्टोरेज दिया है कि आप इसके नीचे आपका इन्वर्टर की लाइन वगैरह सारी निकली के आप लगा सकते हो। उसको अगर आप बंद करेंगे तो यहाँ अगर आप देखें तो पूरा PU में काम किया है, जो आपके आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। उसी के नीचे आपको यहाँ पर भी स्टोरेज के लिए काफ़ी जगह दी है, और ये आपका पूरा क्रॉकरी सेक्शन दिया हुआ है जो कि रोज़ गोल्ड ग्लास के साथ काफ़ी शानदार और काफ़ी सुंदर लग रहा है। और मेरी वो बहनें, मेरी वो दोस्त जिन्हें कांच का बड़ा शौक है, उसको देखने का बड़ा शौक है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा ग्लास यहाँ पे दिया है जो कि रोज़ गोल्ड और वाइट टोन में है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और जब आप अपने आप को इसके अंदर देखेंगे तो काफ़ी सुंदर लगेंगे, जैसे कि मैं स्मार्ट लग रहा हूँ। जस्ट किडिंग। चलते हैं इस पार्ट में। अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट बेडरूम में, तो फर्स्ट बेडरूम में जाने के पहले स्टार्ट होगा हमारा, यहाँ पे आएगा हमारा कॉमन वॉशरूम। जैसे ही इस बेल्ट में आएंगे ऊपर एक सीलिंग लाइट आपको मिल जाएगी। सीलिंग लाइट के साथ अब देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट बेडरूम होने वाला है और ये हमारा फर्स्ट कॉमन वॉशरूम होने वाला है। पहले चलते हैं कॉमन वॉशरूम में और देखते हैं वहाँ किस तरीके से अरेंजमेंट किए हुए हैं। बट उसके पहले मैं आपको इसका गेट दिखाता हूँ कि इसका गेट अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ बनाया हुआ गेट है इसका, जो बीच में ग्लास बटन दिया, तो इससे गेट जो थोड़ा सा और रिचनेस बढ़ जाती है उसकी। गेट अगर खोलें और जाएं अंदर तो सेम एज इट इज़ जो वॉश एरिया में टाइल्स यूज़ की हुई थी वही टाइल इसमें यूज़ की, जो एंटीस्किड है, जो आपकी पाँव की पकड़ बनाकर रखेगी। वॉश एरिया काफ़ी अच्छे तरीके से सीलिंग तक अगर आप देखो तो सीलिंग तक आपको टाइल्स में मिल जाएगी। उसी के बाद पीछे अगर आप देखें तो पीछे भी पूरा वुडन का काम किया है ग्रेनाइट के साथ, जिस पर आपको एक प्रोफाइल लाइट मिल जाएगी। फिटिंग्स सारी जैगुआर की दी हुई है, जो आपको पता है वारंटी के मामले में लंबी चलती है। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। बेडरूम में चलने के पहले बात कर लेते हैं गेट के चौखट की। चौखट अगर आप देखो तो एज इट इज़ पूरा वीनियर में दिया हुआ है, काफ़ी सही तरीके से डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। चौड़ाई की बात करो तो 3.5 फिट की है, और हाइट की अगर बात करो तो 60 फिट के आसपास इसकी हाइट मिल जाएगी, जिससे कि आप इतनी चौड़ाई में भी कोई अच्छा अपना बड़ा सामान अंदर आना लाना ले जाना ईजिली कर सकते हो। ये आपका होने वाला है फर्स्ट बेडरूम।
इस बेडरूम में आपको जो मिलेगा वो आपके कवर्ड्स आप देख सकते हो, पूरा कवर्ड उसी के साथ उसी की मैचिंग में पूरा वॉलपेपर आपको मिल जाएगा। वॉलपेपर के साथ सीलिंग अगर आप देखो तो हनी बीज कॉम्बे टाइप में की हुई है जो काफ़ी अच्छी लग रही है। और उसी के बाद आपके वार्डरोब्स के साथ आपका ड्रेसिंग पोर्शन आपको यहाँ मिल जाएगा, जिसमें आप पीछे भी अपना कुछ सामान आराम से रख सकते हो। और उसी के साथ आपको कुछ स्टोरेज के लिए ड्रॉज आपको यहाँ पर भी दिए हुए हैं। बात करें टीवी सेक्शन की तो एलईडी सेक्शन भी आपका वॉलपेपर से पूरा मैच खाता हुआ है, जो काफ़ी सही तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। और उसी के नीचे आपको यहाँ पे भी स्टोरेज का सामान रखने की जगह मिल जाएगी। बात करें वेंटिलेशन की, वेंटिलेशन सेम आपका जो निकलेगा वो निकलेगा आपका वॉश एरिया की तरफ, जो आपका वेंटिलेशन प्रॉपर बनाकर रखेगा। इसमें भी हमें 3 स्लाइडिंग डोर मिलेंगे, 2 आपके ग्लास पैनल और 1 आपका मॉस्किटो नेट रहने वाला है, जिसकी सेफ्टी आपकी प्रॉपरली आयरन बार से की हुई है। कर्टन्स भी देखा है तो उसके बाहर के हिसाब से जो मैचिंग दी हुई है उसके अकॉर्डिंग उसको पूरा सेट किया हुआ है। नीचे का पार्ट एक बार पूरा आप देखिए, नीचे का पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। इस घर में 1000 स्क्वायर फीट में हमें गजीबो भी मिलने वाला है, टेरेस पे गजीबो, गार्डन गजीबो भी रहेगा। और भी कुछ जगह हैं जो अच्छे तरीके से यूज़ करिए, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। बट उसके पहले एक बार आप नीचे का पूरा प्रॉपर तरीके से लुक लीजिए, फिर हम चलेंगे हमारे सेकंड फ्लोर की तरफ और देखेंगे वहां पे हमें क्या क्या मिलने वाला है। फर्स्ट फ्लोर यानी कि लिविंग, किचन, बेडरूम, तीनों चीज़ आपने देखी, सारा नीचे का व्यू देखा। अब चलेंगे हम हमारे सेकंड फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर पे चल के देखेंगे हमें वहाँ क्या क्या मिल रहा है। बट उसके पहले एक चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं। यूजली हम जब हमारे घर की स्टेयर्स जो होती हैं, जब देखते हैं उसकी जो साइज़ देखते हैं काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं। इसके साइज़ एक बार आप देखो सामने से, इसका साइज़ काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी चौड़ा साइज़ आपको दिया हुआ है, जो आपको चढ़ने उतरने में, यानी कि उतरना चढ़ना तो ठीक है, कोई बड़ा सामान भी लाना ले जाना तो आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसमें जो यूज़ किया है सेम एज इट इज़ आपका स्किटलेस एंटीस्किट मार्बल इसमें यूज़ किया है, पूरा वुडन टॉप, वो भी आपका टफन ग्लास के साथ। चलते हैं एज इट इज़ ऊपर और ऊपर देखते हैं हमें क्या क्या मिलने वाला है। जैसे ही सामने आएंगे सबसे पहले जो वॉल हमें देखने मिलेगी, ये वॉल आपको हमारा वीडियो नंबर 21 अगर आपने देखा हो तो याद कराएगी कि ये वॉल पूरी टेक्सचर्ड है, पूरा ये पूरा काम वॉल पे ही किया है, कोई वॉलपेपर कुछ भी नहीं है, पूरा जो काम आप देख रहे हो पूरा ओरिजिनलिटी में ये काम मिलेगा। अब चलते हैं इसके बाद हमारे ऊपर की तरफ। जैसे ही आप सेकेंड फ्लोर पर आओगे, सबसे ज़बरदस्त और शानदार जो नज़ारा आपको देखने मिलेगा वो मिलेगा आपका शैंडिलियर का, जो कि आपके सीधा डाइनिंग एरिया में जा रहा है। और उससे भी अच्छे अगर कोई चीज़ आपको दिखाऊं तो उसकी सीलिंग एक बार आप ध्यान से देखिए, सीलिंग काफ़ी सुंदर और सबसे हटके एकदम अट्रैक्टिव तरीके से दी हुई है। आपने कहीं भी दूसरी जगह ऐसी सीलिंग नहीं देखी होगी, सिर्फ हमारे ही 21 नंबर 24 नंबर के वीडियोस में देखी होगी। काम हम लोग आपके लिए करते हैं, सबसे हटकर करते हैं, जिसमें आपको खुद मज़ा आने लगे। अब इसके बाद हमारे 2 बेडरूम हमें यहाँ पर मिलेंगे, पहला बेडरूम जो मेरे राइट पे और दूसरा जो मेरे लेफ्ट पे। पहले चलते हैं इस वाले बेडरूम में और देखते हैं क्या क्या मिलने वाला है। स्टार्टिंग करेंगे गेट से, देखें तो सेम वीनियर में यूज़ किया हुआ है पूरा वीनियर की चौखट। अगर आप विंडो भी देखेंगे ना, जो आपका फिक्स्ड ग्लास है ये, बट आपका ट्रांसपेरेंसी बना के रखेंगे, ये भी पूरा वीनियर में दिया हुआ है, जो काफ़ी अच्छा लगता है। पूरा वीनियर डोर है, सेम इसकी जो बात करें चौड़ाई की 3.5 फिट की है, और जो हाइट इसकी है इसकी 7 फिट की हाइट आपको ईजिली मिल जाएगी। अंदर चलते से ही देखेंगे तो सबसे पहले इस रूम को जो डिज़ाइन कराया वो काफ़ी
हटकर कराया है, मतलब अगर आप देखें तो आपको बेडरूम में आपके ड्रेसिंग एरिया भी मिलता है, बट इसको यूज़ करा है इस तरीके से कि भाई अगर आपका ऑफिस है, आपका वर्क फ्रॉम होम है, तो आपका एक छोटा सा ऑफिस भी आपके इसी बेडरूम में निकाला हुआ है। जैसे ही आप अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको देखने मिलेगा आपका बेड जो पूरा मैचिंग में दिया हुआ है। बेड देखिए, बेड का हेड देखिए, जो नीचे हम बात कर रहे थे रोज़ गोल्ड की, वो इस पे स्ट्रिप्स आपको मिल जाएंगे। इसी के पीछे हमारा वॉलपेपर का काम कम्प्लीटली किया हुआ है। लगता नहीं है कि उसे इतने एलिगेंट और इतने सिंपल वॉलपेपर यूज़ होते हैं कि आपके रूम में चार चांद लगा देते हैं, बट कोई तड़क भड़क या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आपको अच्छी ना लगे। ये आपका बेडरूम के बाद ये आपका एलईडी पैनल जो कि पूरा वुडन में दिया हुआ है, जो काफ़ी शानदार लग रहा है, और उसी के पास आपका पूरा एक कुशन का पैटर्न आपको मिल जाएगा। उसी के साथ वापस से पीछे वॉलपेपर यूज़ किया और उसी पे वॉल वुड्स के, जिस पे आपको नीचे लाइट्स मिल जाएगी और काफ़ी अच्छे एक आर्टिफिशियल प्लांट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। इसी में पूरा इसके साथ जो साइड में काम किया है पूरा पीयू का किया हुआ है, उसी में आपको पूरे पीयू के काम के साथ यहाँ पे आपको स्टोरेज वगैरह भी इजीली मिल जाएंगे। सीलिंग आप देख सकते हो, ऊपर की फॉल सीलिंग काफ़ी सिंपल और काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किए। जो हम बात कर रहे थे हमारे वुड स्ट्रिप्स की, वो एज इट इज़ पूरा चलाई हुई हैं, जो लाइट्स वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। और ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है, ये मैचिंग में है तो ये इसके साथ इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। इसी में एक काउच आपको मिल जाएगा जो आप दो लोगों के सिटिंग के लिए, जो आप आराम से अपने बेडरूम में बैठ कर चिल कर सकते हो। उसी के साथ आपका एक बड़ा सा वेंटिलेशन विंडो आपको दिया हुआ है जो कि ग्रेनाइट पे लगाया हुआ है, पूरा ग्रेनाइट पे काफ़ी अच्छे से प्लेस किया हुआ है। 3 चैनल डोर रहने वाला है जो कि 2 ग्लास पैनल और 1 मॉस्किटो नेट आपका होने वाला है, तो वेंटिलेशन आपका प्रॉपर बनाकर रखेगा। अब मैं जो बात कर रहा था आपसे कि एक इसमें आपको ऑफिस स्पेस दिया है, वो बात कर लेते हैं, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपके बेड का सेकंड पार्ट है, जो आपका स्टोरेज स्टूल है, उसी के पास आपको फिर से आर्टिफैक्ट्स के लिए जगह दी है, जो वुडन में काम किया है, जो काफ़ी अच्छा और सेम पूरा बेल्ट इसका भी चलाया हुआ है। तो ये हमारे बेडरूम का वो पार्ट है कि भाई अगर आप मान लीजिए आपका पार्टनर चाहता है कि भाई उसे सोना है या उसे रेस्ट करना है, आप डिस्टर्बेंस भी ना हो उसे और आपको अपना काम भी करना है, तो उसके लिए ये वाली जगह जो है ये पूरे अच्छे से प्लान की हुई है। कि आजकल जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वर्क फ्रॉम होम का, कि आप आराम से अपना ऑफिस यहाँ पे लगा सकते हो, आपको लैपटॉप के सॉकेट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आपकी कुछ फाइल्स हैं, कुछ पेपर्स हैं, तो उसके लिए आपको कैबिनेट्स भी दिए हुए हैं, आप अपना सामान आराम से रख सकते हो, आर्टिफैक्ट्स रख सकते हो, फैन की भी पूरी प्रॉपर व्यवस्था है, तो आप आराम से अपना यहाँ पे ऑफिस इजीली कर सकते हैं। यहाँ की लाइट्स जलाकर, वहाँ की लाइट्स बंद करके, तो आपको कोई डिस्टर्बेंस भी ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आपके पूरे स्टोरेज आपको मिल जाएंगे, पूरे वार्डरोब्स मिल जाएंगे जो कम्प्लीटली आपका बने हुए हैं, और उनमें छोटे छोटे लाइट्स आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के ऊपर भी आपको हाइड्रोलिक्स में दिए हुए हैं जो आपका स्टोरेज काफ़ी अच्छे से आप रख सकते हैं। अब इसी के साथ बात करें इसके वॉशरूम की, तो वॉशरूम का पहले तो आप गेट देखो और उसी से अंदाज़ा लगाओ कि वॉशरूम कितना शानदार होने वाला है। पूरा प्लेस किया हुआ है ग्रेनाइट पे, बीच में ग्लास पैनल मिलेगा, और जब वॉशरूम में जाएं और वॉशरूम एक बार देखें, होटल से भी ज़बरदस्त वॉशरूम है, इतना शानदार बना हुआ है। पूरा ब्लैक टाइल आपका इसमें यूज़ किया हुआ है, वेट पोर्शन एक साइड और आपका ड्राई पोर्शन एक साइड, और बेसिन आपका यहाँ दिया है जो कि आपके कैबिनेट्स के साथ है, ग्रेनाइट पे प्लेस किया हुआ है, और एक बड़ा सा मिरर आपको यहाँ मिल जाएगा, और हैंड वॉश के लिए भी जो आपको मशीन्स दी हैं काफ़ी अच्छी लग रही हैं। तो इसी के साथ ये वॉशरूम थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है, और उसको अट्रैक्टिव जो चीज़ बनाती वो है जो आप येलो स्टोन देख रहे हैं, पूरा येलो स्टोन पे पूरा सीलिंग लाइट्स के साथ, प्रोफाइल लाइट्स के साथ जो काम किया है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब चलते हैं हम हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ, और थर्ड बेडरूम में देखते हैं कि वहाँ हमें क्या क्या मिल रहा है। बट उसके पहले एक बार आप इस पूरे बेडरूम को देखिए, पूरे बेडरूम के वॉशरूम को देखिए, फिर हम चलेंगे हमारे जस्ट सामने वाले
बेडरूम में और वहाँ से देखेंगे हमें क्या क्या मिलने वाला है। बट इस बेडरूम की एक चीज़ और आपको बता दूँ कि इसी बेडरूम में एक बड़ा सा विंडो आपको मिलता है कि अगर आप चाहें अपना गेट बंद कर लें, जैसे ही आपने गेट बंद करा सुबह आप उठते हो तो आप यहीं से अपने मंदिर का दर्शन भी सुबह सुबह कर सकते हो, जो काफ़ी अच्छी प्लानिंग मुझे लगी। और ऐसा बोलते भी हैं कि भाई सुबह उठे और सबसे पहले भगवान के दर्शन हो गए तो पूरा दिन अच्छा जाता। तो ये बेडरूम उन्हीं के लिए है कि उठें और आप यहीं के यहीं दर्शन कर सकते हैं। एक बार ये पूरा बेडरूम आप देखो, उस बेडरूम के बाद फिर चलेंगे सामने वाले बेडरूम में और देखेंगे वहां क्या क्या मिलने वाला है। जैसे ही इस बेडरूम से आप बाहर निकलोगे और इधर से तीन स्टेप आप लोगे, जो कि सेम एज इट इज़ आपकी एंट्रेंस किट विद प्रोफाइल लाइट के साथ कंप्लीट की हुई है, तो सामने आपका थर्ड बेडरूम आ जाएगा जो एज इट इज़ आपका वीनियर से कंप्लीट किया हुआ है। और इसमें भी आपको एक बड़ा विंडो जो मिलेगा, जो कि सिर्फ ट्रांसपेरेंसी बनाएगा, जो एक काफ़ी अच्छा व्यू आपको देगा। अब जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ तो ये सीलिंग आप देखो, और ऐसा लगता है कि वो गाना सुना है ना, आ ले चलें तुझे तारों के बीच में, वही वाली फीलिंग आएगी। चलते हैं अंदर। ये बेडरूम मिलेगा आपको आपका वुडन में, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि उसे वीनियर डोर और उसी के नीचे वुडन, तो कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़बरदस्त हो जाता है। जैसे ही बेडरूम के अंदर आएंगे तो इसकी थीम पूरी चेंज हो जाएगी। इसकी सबसे पहले आप बैकहेड देखिए कि इसका काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसका बेड देखिए काफ़ी अच्छा मैचिंग में है। इसी के साथ इसकी फॉल सीलिंग आप देख सकते हो, जो काफ़ी डिसेंट और काफ़ी अच्छी लग रही है। और इसका एक सबसे अच्छा पार्ट जो मुझे लगा है, वो पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। वो पार्ट आप मेरे साथ देखिए कि जो आपका बेड हेड है, जो ग्रे पार्ट उसमें यूज़ किया हुआ है, जो छोटे छोटे पैचेस आपको ग्रे दिख रहे हैं, वो एक पार्ट आपका यहाँ यूज़ किया हुआ है एक हैंगिंग लैम्प के साथ, जो काफ़ी सुंदर दिख रहा है। अब इसी के साथ बात कर लेते हैं बेड के जस्ट सामने जो यूज़ किया हुआ है वॉलपेपर के साथ वुडन के पैनलिंग यूज़ की हुई है, जिसपे काफ़ी अच्छा एक आपको लैम्प देखने को मिल जाएगा। सेम एज इट इज़ जो इधर काम किया हुआ है, इसमें भी आपको स्टोरेज मिल जाएंगे, जो सफिशिएंट स्टोरेज है, जो आप आराम से अपना सामान रख सकते हैं। उसी के बाद एक स्टडी टेबल आपको यहाँ मिल जाएगी, अपना चेयर के साथ आप अपना काम आराम से कर सकते हो। आर्टिफैक्ट्स रखे हैं, आप चाहें तो अपने बुक्स वगैरह भी रख सकते हैं, जिस पर आपको प्रोफाइल लाइट्स पूरे मिल जाएंगे, जो आपका उजाला भी बनाकर रखेंगे। अब चलते हैं हमारे इस पार्ट पे कि जो हम हमारे बेड हेड देख रहे थे सेम एज इट इज़, हमारे नीचे जो कुशंस किए हुए हैं, जो हमारे ड्रॉज हैं, वो भी हमें उसी टाइप से दिए। एक बार आप इसको जूम करके देखिएगा, और सेम एज इट इज़ पूरा वुडन का बेल्ट यहाँ पर पूरा कम्प्लीटली चलाया हुआ है। स्पेस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें होना चाहिए आपके रूम में, वो आपको पूरी मिल रही है। आपका बेड हो गया, दो साइड टेबल्स हो गई, LED पैनल हो गया, स्टडी टेबल हो गई, स्टोरेज के लिए भी जगह हो गई। उसके बाद सबसे बड़ा एक मेजर पार्ट आता है कि हमारा ड्रेस एरिया, आपका ड्रेस एरिया भी वहाँ दिया हुआ है, वहाँ भी चलेंगे। कम्प्लीटली देखें तो आपके बेडरूम में सब चीज़ कम्प्लीट की हुई है, उसके बाद भी सफिशियंट स्पेस आपको मिल रहा है, निकाला है, और ये सारा काम होता है प्लानिंग का। चलते हैं बालकनी में, जो इस बेडरूम का एडवांटेज है। इतनी बड़ी बालकनी आपको एक मिलने वाली है, उसमें सबसे पहले बात करेंगे आपके सेफ्टी डोर की, जो आपका एक आयरन डोर दिया हुआ है, हैवी है लेकिन चलने में काफ़ी फ्री है, कि उसे क्वालिटी अगर अच्छी यूज़ हो तो काम और सामान दोनों अच्छे चलते हैं। सेम आपका डोमाल सेक्शन में विंडो यूज़ किया हुआ है, जो कि 3-layer डोर रहने वाला है, दो ग्लास पैनल, एक मॉस्किटो नेट, और उसी को अगर देखें ध्यान से तो पूरा ग्रेनाइट पे यूज़ किया हुआ है, जो हमेशा पकड़ अच्छी बनाएगा और लंबा चलेगा। बालकनी में आते हैं तो सबसे पहले आपको बता दूं कि बालकनी में फील आपको दे रहा होगा वुडन की, बट ये वुडन पैटर्न में टाइल दी हुई है, जो काफ़ी सही तरीके से लगी है और काफ़ी अच्छा एक फील
दे रही है। इसी के साथ अगर बात करें तो ये जो स्टोन आप देख रहे हैं ये रियल स्टोन है, रियल ब्लैक स्टोन, जो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है। और इसी के साथ अगर बात करें तो ऊपर आप पूरा देख सकते हो पीवीसी में दो सीलिंग लाइट्स आपको मिल जाएगी और उसी के बाद कुछ स्पेस आपको यहाँ भी मिल जाएगा, जो कि एक नल आपको यहाँ दिया हुआ है कि अगर आप कुछ भी चीज़ चाहते हैं, आपको कुछ भी पानी का यूज़ करना है तो आप अपनी बालकनी में आराम से कर सकते हैं। बात करें सेफ्टी पॉइंट की तो सामने जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है एसएस के रेलिंग के साथ टफन ग्लास, जो स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छे से की हुई है। अगर आप देखें तो सब जगह ऐसे करके आपको स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी बड़े हुक्स दिए हुए हैं, उस पर आपका ग्लास अच्छे से प्लेस किया हुआ है। बात करें इस साइड की तो इधर भी सेफ्टी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आयरन के मोटे मोटे बार्स यूज़ किए हुए हैं, जो कि दोनों तरफ ग्रेनाइट में लगाए हुए हैं, तो आपको कभी भी स्ट्रेंथ का इशू नहीं आएगा और आपकी चीज़ हमेशा ड्यूरेबल रहेगी, लंबी चलेगी। अब चलते हैं हम हमारे ड्रेस एरिया की तरफ और ड्रेस एरिया को देखते हैं कि जो थीम है उसको किस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। सबसे पहले अगर बात करें तो जो चौड़ाई हमें मिल रही है वो 3.5 फिट की चौड़ाई हमें हमारे ड्रेस एरिया में जानने को मिल रही है और जो हाइट है वो 7 फिट की हाइट हमें वहाँ पे मिल जाएगी, जो कि आपकी पूरी चौखट वीनियर से बनाई हुई है। जैसे ही आप आएंगे थीम का पूरा ध्यान रखते हुए अगर आप देखें तो ग्रे शेड में नीचे हल्का सा गोल्ड टोन में आपके पूरे वार्डरोब्स दिए हुए हैं और वार्डरोब्स कंप्लीटली सही तरीके से, ये इसमें जो लाइट्स आपको देख रहे हो ये आपको कैसे सपोर्ट करेगी मैं आपको बताता हूँ। आप मान लीजिए आपने ये खोला तो जब आप ये खोलेंगे तो आपको ये लाइट्स भी उजाला करेगी और अगर आप अंदर देखो तो अंदर भी आपको प्रोफाइल लाइट सारी मिल जाएगी, तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा आपका सामान निकालने में, रखने में। जैसे अगर हम इधर बात करें तो इधर भी सेम आपको अंदर लाइट्स मिल जाएंगी, तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा कोई भी सामान आपका रखने में, निकालने में कभी परेशानी नहीं आएगी आपको, पूरे घर की लाइट्स नहीं जलाना पड़ेगा आपको, पूरे यहाँ के बड़े बड़े लाइट्स नहीं जलाना पड़ेंगे। इसी के बाद अगर बात करें तो सेम हमें एक बड़ा सा ग्लास यहाँ मिल जाता है, स्पेशली मेरी उन बहनों को बैठ के तैयार होने में बिल्कुल अच्छा लगेगा क्योंकि उसे ग्लास पूरा फुल है, तो तैयार होने वाले को बड़ा मज़ा आने वाला है। उसी के बाद साइड में स्टोरेज की जगह आपको और काफ़ी सारी मिल जाएगी और उसी के नीचे फिर स्टोरेज की जगह आपको मिल जाएगी, तो स्टोरेज कंप्लीट भर भर के दिया हुआ है कि उसे प्लान, मैं फिर बोल रहा हूँ ये सारा काम होता है प्लानिंग का। इतना स्टोर देने के बाद भी इतनी स्पेस है कि आप आराम से तैयार भी हो सकते हो और रेडी होकर अपने बेडरूम में जा सकते हो। चलते हैं वॉशरूम में, अगर स्टार्ट करें तो सेम पूरा गेट हमारा ग्रेनाइट पे लगा हुआ है और पूरा जो गेट हमारा यूज़ है वो पूरा वीनियर में, एक बीच में ग्लास आपको दिया हुआ है। इसी में चलते हैं अंदर तो देखते हैं, ये वॉशरूम भी काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आप इसके टाइल देखो तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है और सीलिंग तक टाइल दी है, तो सीलिंग तक जब टाइल आती है तो ऑटोमेटिक चीज़ एकदम साफ़ सुथरी और अच्छी दिखने लगती है। ये आपका वेट एरिया है जो आपका शॉवर दिया हुआ है एक पीवीसी बोर्ड के साथ। इसी के बाद आपका ड्राई सेक्शन आ जाएगा जो कि वो आपका इधर और उसी के बाद आपका सिंक यहाँ आ जाएगा। जैसे ही हमारा वेट ख़त्म होता है तो उसी से ग्लास का पार्टीशन किया हुआ है, पार्टीशन के बाद ये हमारा ड्राई पोर्शन चालू हो जाएगा, हमारा कमोड आ गया और उसी के बाद हमारा वॉश बेसिन आ गया। फिटिंग्स सारी जैगवार की है तो आपको कभी भी वारंटी का कोई इशू नहीं होने वाला है। इसी के नीचे आपका कैबिनेट्स मिल जाएंगे जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो और एक बड़ा सा ग्लास आपको फिर मिल जाएगा यहाँ पे तैयार होने के लिए, जो शौकीन है आराम से खड़े होकर हो सकते हैं सुबह। उसी के बाद ये पोर्शन मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि आपका आर्टिफिशियल ग्रास पे आपको पूरी प्रोफाइल लाइट दी हुई है और ग्रेनाइट से उसको लगाया है, तो काफ़ी अच्छा लगता है देख के कि वॉशरूम में भी थोड़ा सा एक अट्रैक्टिवनेस मिल जाती है। इसी के बाद अब चलते हैं हम हमारे थर्ड फ्लोर पे, थर्ड यानी कि टेरेस पे, और टेरेस पे चल के देखते हैं कि वहाँ हमें क्या क्या मिलने वाला है। बट उसके पहले चलते हैं हम हमारे बेडरूम के इस वो वाले पार्ट में जो काफ़ी अट्रैक्टिव होने वाला है। देखिए सामने वाले बेडरूम में से वो चीज़ आपने देखी थी, आप चाहें तो यहाँ पे एक छोटा सा सोफ़ा लगा सकते हैं और बैठें तो आपको आपके जस्ट सामने आपका शैंडिलियर और आपको एक अच्छा सा व्यू आपको आपका देखने मिल जाएगा, जो काफ़ी सुंदर होने वाला है। और जैसे ही आप ये कर्टन्स लगा देंगे आपका ये व्यू आपकी प्राइवेसी में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब चलते हैं हम हमारे थर्ड फ्लोर पे, यानी कि हमारे गजीबो की तरफ, हमारे टेरेस गार्डन की तरफ। वहाँ देखते हैं क्या क्या मिलने वाला है, बट उसके पहले एक बार इस बेडरूम का, ड्रेस एरिया का और आपके बालकनी का व्यू लीजिए, फिर हम देखेंगे ऊपर की तरफ कि हमें ऊपर क्या क्या मिलने वाला है। थर्ड बेडरूम, लास्ट बेडरूम देखा, अब चलते हैं टेरेस की तरफ। टेरेस नॉर्मल नहीं है, गजीबो वाला है, बट स्टार्ट करेंगे एज इट इज। स्टेयर देख रहे हैं आप, सेम मटेरियल यूज़ किया हुआ है। बात करूं तो जो हम सामने वॉल देख रहे हैं, वो वॉल के कुछ पैचेस आपको ऐसे भी देखने मिल जाएंगे जो हर जगह आपको फील कराएंगे प्रीमियमनेस का। इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने देखा, पूरा वॉल देखी, वॉल पे पूरे पैचेस आपको देखने को मिल रहे होंगे हर जगह। इसमें मान लीजिए आपके घर में कोई सर्वेंट है, आपको उसे जगह देना है, उसके लिए ये पूरा जगह यूज़ आ जाएगा। या मान लीजिए भाई आपके घर में कोई बाहर से गेस्ट आया है, उनका कोई ड्राइवर या कोई भी एक्सवाइजेड स्पेस कम पड़ रहा है, तो आप इस जगह को आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ वेंटिलेशन के लिए जो ऊपर हमारा डक्ट था, वो आप देख सकते हो किस तरीके से सीएनसी कटिंग के साथ यूज़ किया हुआ है, जो आपको एक वेंटिलेशन हमेशा बनाकर रखेगा। और नीचे एक बार आप यहाँ से देखेंगे तो काफ़ी अच्छा व्यू आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ अब वेंटिलेशन की अगर बात करें तो एक विंडो जो है वो हमें यहाँ पर भी मिल जाएगा, जो 3 चैनल डोर के साथ है, जो आपका मॉस्किटो नेट और 2 ग्लास पैनल के साथ मिल जाएगा, जो कि प्रॉपर अरेंज किया हुआ है आपके सेफ्टी के लिए, प्रॉपर फिटिंग वगैरह कंप्लीट की हुई है। अब बात करते हैं हमारे टेरेस की। अगर पतंग उड़ाना है तो आपको इधर जाना है, और अगर पार्टी करना है तो आपको इधर जाना है। पार्टी बाद में करेंगे, पहले देखते हैं पतंग उड़ाने वाली जगह, किसे संक्रांत आने वाली है। 3 स्टेप के साथ प्रॉपर पूरा गेट कोटिंग के साथ दिया हुआ है कि बारिश कितनी भी आए आपके गेट को जंग नहीं लगेगी। जैसे ही आप टेरेस पे आएंगे तो पूरा प्रॉपर चौकोर शेप में आपको आपका टेरेस मिल जाएगा, जो काफ़ी बड़ा स्पेस है। आप चाहें छोटे मोटे अरेंजमेंट्स, कुछ फंक्शंस अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। पतंग उड़ाने के लिए सफिशिएंट जगह है, और यहाँ से अगर आप ऊपर जाएंगे तो एक बड़ा टेरेस आपको और मिल जाएगा, जिस पे 2000 लीटर का वाटर टैंक ऑलरेडी लगा हुआ है। इसी के साथ अब हम चलते हैं पार्टी हॉल की तरफ, हमारे पार्टी टेरेस की तरफ, कि उसे पार्टी भी ज़रूरी है। सेम एज इट इज़, इसको भी प्रॉपर कोटिंग किया हुआ है। इसकी भी चौड़ाई अगर देखें तो 4 फिट की चौड़ाई उसकी भी थी, और 4 फिट की चौड़ाई इस गेट की भी हमको मिल जाएगी। और जैसे ही खोलेंगे और इस टेरेस पर आएंगे तो आप देख सकते हो इधर का नज़ारा। ऊपर पूरा वुडन पैनलिंग की हुई है, प्रोजेक्टर अगर आप चाहें, IPL देखना है, कोई फैमिली के साथ बैठकर पिक्चर देखना है, तो प्रोजेक्टर का भी अरेंजमेंट किया हुआ है, लगाना आपको पड़ेगा। प्रॉपर अरेंजमेंट्स हर चीज़ के हैं, 4 तरफ आपको लैंप्स देखने मिल जाएंगे। बारबेक्यू के अगर आप शौकीन हैं तो बारबेक्यू के लिए भी आपको यहाँ पे ग्रेनाइट का टॉप बनाकर दिया हुआ है, जो आप आराम से बैठ के इंजॉय कर सकते हो। ऊपर पूरा आपका गजीबो है, पूरा सेटिंग अरेंजमेंट आर्टिफिशियल ग्रास के साथ आपको दिया हुआ है, जो आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। हाँ जी, बात कर लेते हैं प्लॉट साइज़ की, लोकेशन की, और अगर ऐसा घर लेना है या बनवाना है तो कहाँ आना पड़ेगा। देखिए, प्लॉट साइज़ 20-50 यानी कि 20 फ्रंट 50 डेप्थ यानी कि 1000 स्क्वायर फीट पे G+2 का कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, जो काफ़ी लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है। अगर हमें हमारा नीचे कुछ रेंटल पर्पज़ चाहिए और ऊपर हमें रहना चाहिए, फिर वो अच्छा कंस्ट्रक्शन हो ना हो, तो ये पूरा एक एग्जांपल है आपके सामने कि आप इस तरीके से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। न्यूली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, लोकेशन रहेगी महालक्ष्मी नगर। अगर आपको इस टाइप का कंस्ट्रक्शन अपने भी प्लॉट पर करवाना है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं, और आप अपनी प्रॉपर्टी अच्छी डिज़ाइन करवा सकते हैं, या आप चाहें तो अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को भी रेनोवेट करवा सकते हैं।
सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब उन लोगों के साथ जो घर ढूंढ रहे हैं, तो उनकी सर्च आप ख़त्म कराइए सर्च में प्रॉपर्टी पर लाकर। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हो तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए सारी प्रॉपर्टी की अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए और इससे लाइक और इतना प्यार देने के लिए। मैं था सर्च में प्रॉपर्टी से अविनाश जैन, कैमरे के पीछे सीरीज जैन।